Okay, so I wasn't supposed to come live, but I was about to make a story about this topic that I'm going to talk about. But I felt the need to come live क्योंकि मेरी स्टोरी वॉज क्रॉसिंग ओवर 3 मिनट्स. I was like, कोई इतना लंबा देखेगा नहीं. That's why I'm here to talk about that very important topic. And I would request all the people to send this to all the fan clubs and like to whoever you know who's trying to make it big or who are already on the process of making it big, because I really want every person out there who's supporting me or supporting other actors or supporting other personalities out there to watch this, because this is very important. And I have kind of lost my shit, and that's why I'm doing this. I don't do it often. I'm a very calm person. And I'm telling you, I woke up this morning and I read something, I saw something, and I was like, I'm sorry for my language because I'm gonna say it. I'm like, what the hell is going on? Hello? Am I audible? I'm like, what the hell is going on? And स्टोरी में मैंने एक्यूमुलेट करने का ट्राई किया, पर ये तो नहीं हुआ. सो हियर आई एम डूइंग द लाइव, एंड आई रियली वॉन्ट यू गैस टू शेयर दिस विद एज मैनी पीपल एज यू कैन. भले ही आपके वो दोस्त हो या आपको वो पसंद हो या ना हो, आई जस्ट वॉन्ट यू गैस टू शेयर इट बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ऑल राइट, आई एम गोइंग टू टेक सर्टन नेम्स आउट हियर, एंड आई एम नॉट अफ्रेड टू डील विद द कॉन्सिक्वेंसेज आफ्टर दिस, बिकॉज आई विल बी टेकिंग सर्टन नेम्स आउट हियर. सो दिस इज अबाउट दिस अवार्ड दैट वॉज ऑर्गेनाइज बाय दिस इवेंट ऑर्गेनाइजिंग कंपनी कॉल्ड बॉली बजर. ठीक है, नाउ पहले तो लेट मी क्लियर माई थिंग आउट दैट आई एम अ पर्सन हु डजंट बिलीव इन अवार्ड्स. आई एम अ पर्सन हु वॉन्ट्स माई प्रोजेक्ट टू डू वेल एंड एवरीबडी इन दैट प्रोजेक्ट टू डू वेल इन लाइफ. एन अवार्ड रियली डजंट मैटर टू मी, आई बी वेरी ऑनेस्ट. सो दिस इज नॉट अबाउट मी, दिस इज नॉट अबाउट मी एट ऑल. दिस इज अबाउट सर्टन पीपल हु रियली वॉन्ट देयर फेवरेट पर्सन टू विन. ओके, नाउ यस, आई विल बी सेविंग द लाइफ, आई विल बी सेविंग द लाइफ. दैट्स व्हाई आई हैव टोल्ड यू गाइस टू गो शेयर इट. जिसको देखना है देखे, जिसको जिसको जो इंटरप्रेट करना है करे. तो कुछ टाइम पहले की बात है, जहाँ पर दिव्या, मैं, हमारे जैसे कुछ एक्टर्स, कुछ पर्सनालिटीज भी नॉमिनेट हुई थी एक अवार्ड के लिए, अलग अलग कैटेगरीज के लिए. ठीक है, ये डॉलर इज इरिटेटिंग मी, कोई बात नहीं, ही कैन इरिटेट मी. तो अलग अलग कैटेगरीज के लिए कुछ काफ़ी अलग अलग लोग नॉमिनेट हुए थे. हाँ, इवन ही इज पिस्ड अबाउट इट. आई एम टेलिंग यू, इवन ही इज पिस्ड. आई हैव टोल्ड हिम इन द मॉर्निंग, आई हैव टोल्ड डॉलर इन द मॉर्निंग, इवन ही इज पिस्ड अबाउट इट. तो नॉमिनेशन थी, आई एम गोइंग नेम द नॉमिनेशन, दे वर लाइक, आ जा. हाँ, तो आर यू एंग्री अबाउट इट? या सो द नॉमिनेशन वर लाइक बेस्ट एक्टर वेब सीरीज मेल, बेस्ट एक्टर वेब सीरीज फीमेल, बेस्ट पर्सनैलिटी, बेस्ट होस्ट, तरह तरह की, तरह तरह के कैटेगरीज थी. तो बहुत वोट्स है, बहुत ज़्यादा वोट्स है. ठीक है, आई वॉज सरप्राइज लुकिंग एट ऑल ऑफ दैट. ठीक है, बहुत सारे वोट्स है. तो बेस्ट, आई टॉक अबाउट टू कैटेगरीज इन पर्टिकुलर. बाकी आई एम नॉट सेइंग मुझे किसी से प्रॉब्लम है या फिर मुझे किसी पर्सनैलिटी की जीतने से प्रॉब्लम है, नहीं, मुझे नहीं है, क्योंकि मुझे फ़र्क भी नहीं पड़ता है. आई टेल यू मुझे प्रॉब्लम किस चीज़ से. तो आई एम गोइंग टॉक अबाउट ओनली टू कैटेगरीज एंड यू गैज विल नो व्हाट आई एम सेइंग. तो आई विल फर्स्ट टॉक अबाउट बेस्ट एक्टर फीमेल वेब सीरीज. दैट वॉज एविडेंटली वन जो उन लोगों ने कहा था कि कॉमेंट करो टू मेक योर फेवरेट पर्सन विन, उसमें दिव्या जीती थी हैंड्स डाउन. एंड इफ आई टॉक अबाउट बेस्ट एक्टर मेल, दिस इज गोइंग टू बी सरप्राइज फॉर लॉट ऑफ पीपल. व्हेन आई टॉक अबाउट बेस्ट एक्टर मेल वेब सीरीज, उसमें प्रियांक जीता था. प्रियांक शर्मा वन दैट इंटायर पोल. उसमें मैं भी नॉमिनेटेड था, बट प्रियांक शर्मा हैंड्स डाउन वन द थिंग, हैंड्स डाउन. एंड वेरी गुड, हिज फैंस वर स्ट्रॉन्ग एंड एवरीथिंग, विच इज ओके, इट हैपन्स. बट वेन आई सॉ द नेम्स टूडे हु वन, आई एम लाइक, व्हाट
व्हाट? और वो बॉली ब्रदर ने कमेंट ऑफ कर दिया, ठीक है। तो मैंने बोला हैं, हाउ डिड दिस हैपन, बिकॉज समबडी एल्स वन, राइट, समबडी एल्स वन, एंड आई एम श्योर इवन दोज पीपल डोंट केयर बिकॉज नोबडी पोस्टेड अबाउट इट, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट इनफ, विच इज अ डिफरेंट इशू, बट माई प्रॉब्लम इज दैट ऑल द पीपल हु आर वोटिंग, ऑल द पीपल हु आर वोटिंग, दे वोट विद ऑल देयर हार्ट, विद ऑल द लव, एंड आई एम जस्ट सेइंग कि वो जो मेहनत करते हैं ना लोग वोट कर करके ताकि उनका फेवरेट पर्सन जीते, बिकॉज उस बंदे ने या उस बंदी ने ओवर द ईयर्स बहुत मेहनत करी है वो फैंडम कमाने में, राइट। आई वॉज शॉक्ड नॉट टू सी प्रियांक्स नेम एज अ विनर, आई वॉज शॉक्ड नॉट टू सी दिव्याज नेम एज अ विनर, एंड आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट टू कैटेगरीज, बाकी आप लोग इंटेलिजेंट हो, आप लोग समझ जाओगे, ये लाइफ मेरे लिए नहीं है, क्योंकि मुझे अगेन आई एम सेइंग मुझे फर्क नहीं पड़ता है, ये लाइव मेरे लिए नहीं है, एंड मेरे काफ़ी दोस्त इस लाइव में हैं, अभिराज भाई इस लाइव में है, वो जानते हैं मैं कहाँ आ रहा हूँ, वेर आई एम गेटिंग एट आफ्टर दिस लाइव। दिस लाइव इज अबाउट द पीपल हु हैव होप, हु रियली वॉन्ट देयर फेवरेट पर्सन टू गो अहेड इन लाइफ एंड फील मोटिवेटेड, राइट। जब वो लोग इतनी मेहनत से वोट करते हैं, 8,000 वोट 10,000 वोट, विच इज़ नॉट अ जोक, एंड फिर वो देखते हैं कि किसी और का नाम ही रैंडमली आ रखा है, तो इट जस्ट टेक्स अ बैक। इट आई टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई डिडंट केयर अबाउट ऑल ऑफ दिस, मैंने आई थिंक एक दो दिन पहले चेक किया था कॉमेंट सेक्शन, एंड फीमेल में तो चलो दिव्या डोमिनेटेड लाइक अ बीस्ट, एंड मेल में प्रियांक डोमिनेटेड लाइक अ बीस्ट, एंड आई हैव नो शेम इन सेइंग दैट, आई एम कीपिंग एवरीथिंग असाइड, मुझे कुछ नहीं है किसी के अगेंस्ट, आई एम जस्ट सेइंग दैट जिनका नाम आया उनको तो कम से कम जिताओ, जिनका नाम आया उनको तो जिताओ, तुम ये अपने हिसाब से रैंडमली किसी को भी जिता रहे हो, ठीक है, और एक सर्टन क्या बोलो, सर्टन कैटेगरी ऑफ लोगों को जिता रहे हो, जो आप जिसको हमेशा साथ में देखते हो, जिसको हमेशा आप देखते हो कि साथ में चिल करते हो, उनको जिता दिया, माइंड और फिर कॉमेंट्स ऑफ कर दिए, दिस इज टू बॉली बजर राइट नाउ, क्या ओके, फिर कॉमेंट्स ऑफ कर दिए, ताकि जैसे होते ना कि बच्चे करते थे पहले बचपन में कि आंखें बंद कर लो तो नहीं हमको कोई नहीं देख पा रहा, तो उन लोगों ने भी कुछ ऐसा ही स्ट्रैटेजी आजमाई है कि आंखें बंद कर लेते हैं और हमको कोई नहीं देख पाएगा। सो दिस आई एम जेन्युइनली सेइंग फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट दैट पीपल हु आर वॉचिंग दिस राइट नाउ, एक तो प्लीज डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन सच फेक शिट अवार्ड अवार्ड ऑर्गेनाइज बाय दिस इवेंट कंपनीज टू गेन ट्रैक्शन एंड टू गेन सम इनसाइट्स, बिकॉज आप लोग उनका ही फायदा कर रहे हो, आपके फेवरेट पर्सन का फायदा नहीं हो रहा, दिस इज ऑल एन अपील टू द प्रियांक फैंस ऑल्सो, जो एकदम से फाइट स्टार्ट हो गई थी, मैं तुमसे फाइट नहीं स्टार्ट कर रहा, मैं कुछ ख़राब नहीं बोल रहा उसके बारे में, मैं इतना बता रहा हूँ कि उसका नाम आया था यार एंड वो जीता था, और दिस इज स्टूपिड, लाइक आई एम जस्ट लाइक टेकन अबैक विद अ लॉट ऑफ थिंग्स, एंड आई फील लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट अवार्ड्स इन आर कंट्री आर वेरी स्टूपिड, एंड आई एम नॉट सेइंग मैं नहीं जीता कोई अवार्ड, मैं भी जीता हूँ एक टाइम पे, और तब चीज़ें लगती मैं भी उस सर्टन ग्रुप के साथ घूमता था पहले एक टाइम पे, एंड इवेंचुअली आई रियलाइज दैट आई वांट अदर थिंग्स इन लाइफ, एंड आई ड्रिफ्टेड अपार्ट, एंड यू गाइस नो मैं एक IWM का कोई अवार्ड जीता था, क्या था नाम उसका, क्या था, स्टाइल समथिंग, IWM नहीं, IWM बस इज़ अ वेरी फेमस पब्लिशिंग हाउस, बट उनका भी मैं एक अवार्ड जीता था, आई टेल यू। हाँ तो आई वन अ अवार्ड विच वॉज अबाउट स्टाइल आइकॉन, पहले तो जब मुझे वो मिला नॉमिनेशन तो आई वॉज टेकन अबैक, आई एम नॉट द मोस्ट स्टाइलिश पर्सन, आई नो इट, आई एम नो सर्टन रियलिटी अबाउट माई सेल्फ, मैं सिर्फ ब्लैक कपड़े पहनता हूँ, तो मैं जब वो जीता तो चलो ठीक है जीत गया, आई वॉज विद अ सर्टन ग्रुप, मैं भी जीत गया, तो आई जस्ट फील ये मेरी थिंकिंग है, ठीक है। जब मैंने रोहन मेहरा का नाम देखा
इन प्लेस ऑफ प्रियांक. अच्छा ओके चलो ठीक है शायद जीता हो. मैंने वो कंसिडर नहीं किया बट जिस नाम के बारे में आई वॉज 100% श्योर कि वो जीती है दिव्या. जब उसकी जगह मैंने चेतना का नाम देखा आई वॉज लाइक थोड़ा झोल लग रहा है. फिर जाके आप लोग जाके देखना आई वॉन्ट यू गैस टू सी इट. ठीक है मैं आगे नाम नहीं लूंगा बिकॉज वो एक्साइटमेंट खत्म हो जाएगी. बेस्ट होस्ट में काफी ज्यादा वेल नोन होस्ट का नाम था जैसे मनीष पॉल वगैरह वगैरह वगैरह. अब जाके देखो वहां कौन जीता. अलग अलग कैटेगरीज में अब देखो वहां कौन जीता. आई एम नॉट सेइंग मुझे जिताओ मुझे जिताओ. अगर मैं जीतता भी ना तो मैं ये लाइव करने वाला था. अगर मैं जीतता भी तो मैं ये लाइव करने वाला था क्योंकि व्हाट इज फेयर मैन. एंड दिस दिस थिंग इज अबाउट जस्ट बीइंग फेयर टू द पीपल हु हैव kind of helped us be here, who have helped us reach a certain podium. And agar aap log hamare liye mehnat kar rahe ho to it should be appreciated man. And yaar tumko time mat barbaad kare. I know ki us jo best actor male web series tha usme mere fans ke beech mein aur priyank ke fans ke beech mein bahut ladaiyan ho gayi. Bahut zyada ladaiyan ho gayi. Theek hai page ka naam hai Bolly Buzzer. कमेंट्स ऑफ है आपको नहीं दिखेंगे बिकॉज उन लोगों ने ऑफ कर दिया बिकॉज एविडेंटली कौन जीता था वो पता लग जाता. रंजीत सिंह मेरे और प्रियांक के फैंस के बीच में वहाँ पर इतनी लड़ाइयाँ हुई एंड आई डोंट सपोर्ट इट. आई डोंट वॉन्ट पीपल टू फाइट फॉर एनीबडी और लाइक स्प्रेड नेगेटिविटी. दिस इज जस्ट अबाउट लविंग योर ओन पर्सन राइट. और वहाँ पर एविडेंटली जब प्रियांक जीता तो आई वॉज लाइक मैन गुड फॉर हिम मैन. लाइक आई वॉज नॉट sad about it. I was like this guy has immense fan following sorry main bhi utha. This guy has immense fan following and yeah he does deserve to win. He did a great job in both his web series and I was happy for him. Okay so apparently now Isha is saying ki Bolly Buzzer has posted a fake. Now I'll tell you I have had this conversation. I have screenshots also unless they go and unsend it. So I messaged them this only that agar aapko अपने फेवरेट ही जिताने थे. विनर्स आर नॉट ऑन द बेसिस ऑफ कमेंट्स. वी हैड अ प्रॉपर ज्यूरी एंड वर्किंग पैनल विच सिलेक्टेड द विनर्स. कमेंट्स गिवन बाय द फैंस वर मोटिवेशन. फकिंग हेल. आई एम सेइंग सॉरी फॉर माय लैंग्वेज बट फकिंग हेल वर मोटिवेशन टू इंक्रीज द एंथुसियाज्म ऑफ द डिजिटल अवार्ड्स. फक यू Bolly Buzzer. ओके नो दिस इज व्हाट आई एम गोना से राइट नाउ. Clearly, it said that the winner will be vote by commenting. Comment down your favorite person. बहुत लोगों ने लगा था कि what's the procedure of voting. लोगों ने लगा commenting, comment करो because और कुछ होता नहीं है. ठीक है और क्या जूरी बिठाई है हमको कोई आइडिया नहीं है. ठीक है कौन जूरी तो बता दो कौन जूरी है. आई वुड रियली वॉन्ट टू नो कि कौन जूरी है. आई जेन्युइनली वॉन्ट टू नो कि कौन जूरी है बिकॉज ये काफ़ी रेपिटेटिव मैंने देखा है. एक पहले भी एक अवार्ड आया था जिसमें दिव्या का नाम नहीं आया था. और चलो दिव्या तो चलो स्टिल अ वेरी न्यू एक्टर. वहाँ पर लिखा हुआ था वेब सीरीज डेब्यू. करिश्मा कपूर डिड हर वेब सीरीज डेब्यू इन अ शो ऑन ऑल बालाजी. इट वॉज कॉल्ड मेंटल हुड. वन ऑफ द फाइनेस्ट शोज आई हैव सीन ऑन ऑल्ड बालाजी. एंड People were awaiting this comeback for Karishma Kapoor, right? People were awaiting that, and I was really expecting on him everywhere. Like I told Divya, ki Divya, if there's a award function where there's talking about ki is bar female debut web series mein kaun milega, to I think Karishma Kapoor will have all the awards, and Divya agreed with it. Bhai saab. मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि जब दिव्या का नाम नहीं आया करिश्मा कपूर का नाम नहीं आया. सो आई कॉन्टेक्टेड बिकॉज आई वॉज वेरी आई गेट वेरी एंग्री वेन आई गेट वेरी एंग्री वेन पीपल ट्राई टू प्ले गेम्स. एंड आई एम नॉट सेइंग कि मुझे बुरा लग रहा है कि मैं नहीं जीता. नहीं वो बात नहीं है. आई एम जस्ट सेइंग कि व्हेन पीपल ट्राई टू प्ले गेम्स लाइक दिस मुझे बहुत गुस्सा आता है. ठीक है तो मैंने उनको बोला कि यार आपको पता नहीं है दो टू ऑफ द बिगेस्ट नेम्स दैट वर टॉक्ड अबाउट इन 2019 वो दिव्या एंड करिश्मा कपूर फॉर मेकिंग द डेब्यू ऑन ऑल बालाजी. आपने उनका नाम ही नहीं डाला. तो
वो बोलते हैं कि हमारे पास जूरी है। और जब जूरी का नाम आया, फिर जब मैंने नॉमिनेशन देखे तो मैं सरप्राइज नहीं था। एंड आप लोग स्मार्ट हो, आप लोग समझ जाओगे, आई एम नॉट हेयर टू डिस एनीबडी और टू डिमीन एनीबडी, आई एम जस्ट सेइंग। एंड इट्स लाइक ही वॉन्टेड हिज पीपल टू विन, दैट पर्टिकुलर प्रोड्यूसर वॉन्टेड हिज पीपल टू विन, एंड ग्रेट एंड ग्रेट। लाइक आई ऑलवेज थिंक दैट यू शुड हेल्प आउट पीपल जिसको आप प्यार करते हो, ग्रेट। बट द ऑथेंटिसिटी ऑफ एन अवार्ड जस्ट गोज अवे, द ऑथेंटिसिटी ऑफ एन अवार्ड जस्ट गोज अवे व्हेन यू जस्ट आंख बंद करके उसकी बात मान रहे हो जो लाखों करोड़ों फैन कॉमेंट करते हैं और जानते हैं द रियलिटी अबाउट द रियलिटी तो नहीं जानते, रियलिटी तो मैं बता रहा हूँ। जब लाखों करोड़ों फैंस कमेंट करते हैं जाकर कि उनका फेवरेट पर्सन जीते, और जब फिर ये होता है ना, तब मेरा दिमाग खराब होता है। एंड आई एम अ पर्सन जो लाइक आई वुड हैव लाफ्ड इट ऑफ, आई एम अ पर्सन हु वुड हैव लाफ्ड इट ऑफ, आई वुड हैव लाफ्ड इट ऑफ। बट यार एक चीज की भी हद होती है, 2020 में दो तीन बार हो गया ये चीज, एंड आई वाज लाइक मैन दिस इज रियली नॉट कूल। सो Priyank and you aced it in the comment section. Yes, there were only two names in the comment section, which were Priyank and me, and Priyank won that battle, hands down. I'm not even going to have a debate about that. I'm not even going to say close tha, because close nahi tha. Priyank Sharma won that battle, hands down. And he should have gotten that award, which is a very simple thing. ठीक है, अगर आपकी जूरी है तो आपकी जूरी क्या है और किस बेसिस पे है आपकी जूरी? ठीक है, एक तो वो क्लियर कभी नहीं होगा। एक ही शो को अवार्ड मिले, एक ही शो को अवार्ड मिले, डायरेक्टर एक्टर फीमेल एक्टर, एक ही शो का अवार्ड मिले, एक ही तरह के लोगों का अवार्ड मिले। ठीक है, जो साथ में घूमते हैं, जो साथ साथ में चिल करते हैं। वी आर लिविंग इन अ वर्ल्ड वेयर वी हैव एक्सेस टू द इंटरनेट, वी कैन रिसर्च अबाउट थिंग्स, एंड वी हैव द स्मार्टेस्ट राइट नाउ, आई एम टेलिंग यू अबाउट सर्टन फैक्ट्स। We have the smartest bloody people around. We have the smartest people around. And when a fuck up like this happens, I'm sure aap log aware ho jate ho, but I'm just here to highlight certain things. Theek hai? So, Varun Sood 07, Priyank Sharma, male actor. Let's give him the respect he deserves. Let's not troll anybody for no reason. Now, this is what makes me angry. I don't want to troll anybody. I'm genuinely saying things that in the female category, in the female actor category for web series, Divya won the award according to the comments, jo logon ne kaha tha. And in the male actor category web series, Priyank won the award. And I'm not making fun of anything. I'm just being brutally honest about certain things out here. एंड मैंने सौ जो लोग जीते इसके अंदर, मुझे लगा कि यार कि किसी ने कॉल किया और बोला है कि इनको जिता दो और फिर कमेंट ऑफ कर दो, ताकि जो आप लोग हैं जिन लोगों ने वोट किया है इन लोगों के लिए, वो कुछ ना बोल पाए। और ये चीज़ पहले भी हुई है, ठीक है, ये चीज़ पहले भी हुई है। You guys want Varunsu 07, you guys wanted me to win. They also deleted the comments, that I know. But you guys were, all the fans who were with me, all the fans who were with Priyank, तुम लोग ऐसे वहाँ पर जमे रहे कि तुम उन लोगों ने एक comment delete किया, तुमने 8 comment किए, ठीक है, वो भी मैंने देखा। और which was a great thing, man. I'm not a person who likes the fight and everything, but I was like, man, this guy has some insane fans. And he has accomplished a lot. Regardless, I'm not favoring anybody. I'm not dissing anybody out here. I'm just talking about the organization and how things are working. Love the fact that you're appreciating Priyank. I will appreciate people who really deserve it. I'm being very honest. And that guy deserved it at that moment. And he should have bloody won it. So, मैं आई एम जस्ट लाइक लेटिंग थिंग्स ऑफ माई हार्ट राइट नाउ, एंड ऑल दीज अवार्ड्स विल नॉट मैटर टू मी इवन इन द फ्यूचर, एंड आई एम सेइंग इट राइट नाउ ओपनली। द ओनली अवार्ड दैट मैटर्स टू मी इज
the MVP award in basketball because that I earn. I'll be very honest. I'm an athlete. Way before I was an actor, I was a VJ. I was an athlete, and I know that to earn an award, it takes blood and sweat. And I have won a lot of most valuable players in my school, in my college. And I had to work hard for it. And those were according to performances. Like, I had to perform in order to get an award, right? And a lot of consideration was taken from the particular game or how people are looking at me in a particular game. I'm talking about sports out here. Jab mujhe log dekhte the on the court, jab log appreciate karte the, jab log baat karte the mere game ke bare mein. So all these things were considered in terms of awards back in the sports fraternity. Right? Back in the sports fraternity. And I came in the industry thinking that yahan par bhi shayad aisa hi hota hoga yaar, yahan par like people will appreciate the craft and the art and everything, and but here I don't think that really happens. Gibran, bro, I don't have my shoes out here, they're in Mumbai, but soon. I just saw that you got a couple of sneakers too in the lockdown. Be seeing them. I'll just text you after this. So this is my entire point, and that's why I came live. मैं एक स्टोरी बनाने वाला था, but वो स्टोरी ही बहुत लंबी चली गई थी. I was like, कोई देखेगा नहीं. जितने लोग लाइव में देख रहे हैं, very good. But मैं सेव करूँगा इसको, and I would want you guys to share it with other people so they know the reality. और उनको प्लीज रिक्वेस्ट करना कि ये पूरी चीज़ देखो, because बहुत important है यार, बहुत ज़्यादा important है. और बस मुझे इतना ही कहना यार, दिस इज ऑल आई वॉन्ट टू से राइट नाउ, दैट ऑल दीज अवार्ड्स दैट आर ऑर्गेनाइज्ड बाय दीज इवेंट कंपनीज टू गेन ट्रैक्शन, क्विट मेकिंग एन इडियट आउट ऑफ पीपल बिकॉज दीज पीपल रियली वॉन्ट देयर फेवरेट पर्सन टू डू वेल इन लाइफ एंड टू गो अहेड एंड टू बी अप्रिशिएटेड फॉर द थिंग्स दैट ही हैज डन इन लाइफ. Quit making an idiot out of everybody and telling them to vote so that your stupid profile can gain a certain amount of traction and comments and followers. Right? I'm not expecting you to change the results, because now if you do it, then you'll just prove everything into 2000. I'm just telling you that thoda authenticity maintain karo. Aur apni jury ko bolo, जो भी आपकी जूरी है, कि यार ये तो एविडेंटली दिख रहा है यार, ये यार कमेंट्स करे यार. लाइक इफ आई हैव टू हैव अ कॉन्वर्सेशन विद द जूरी एंड मी बीइंग द इवेंट कंपनी, आई वुड नॉट इवन से अवार्ड कंपनी, इवेंट कंपनी है ये, ठीक है. अगर मैं होता जूरी, मैं बोलता यार जैसे इसको जिताओ, और इवेंट कंपनी बोलती यार सर बट, अरे सर बट जीता तो कोई और है, और एविडेंटली जीता है, कॉमेंट ऑफ कर दो, किसी को पता लगेगा नहीं. सो आई एम नॉट सेइंग आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल द कैटेगरीज, आई एम टॉकिंग अबाउट टू कैटेगरीज आउट हियर. नहीं यहाँ लिखा है ना कि बसी श्रुति, मैं सिर्फ दो कैटेगरी की बात कर रहा हूँ. नहीं उनका मुझे आइडिया नहीं है ना, उनका मुझे आइडिया, मैं दो कैटेगरी जो मैं लाइक प्रॉपर जो मैं प्रॉपर श्योर हूँ जिसके बारे में, मैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल द कैटेगरीज, हियर मी आउट अगेन. मैं सिर्फ यहाँ दो कैटेगरीज के बारे में बात कर रहा हूँ. वो दो कैटेगरीज है, बेस्ट एक्टर मेल वेब सीरीज, बेस्ट एक्टर फीमेल वेब सीरीज, ठीक है. तो उसमें जो दो लोग जीते थे वो हम सबको पता है, और आप लोगों को भी पता है, उन लोगों को भी पता है, जूरी को भी पता है, और जूरी में कौन है वो भी हमको पता है. तो आई जस्ट वांट टू टेल यू गाइस दैट डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन ऑल ऑफ दिस, इट डजंट मेक सेंस. And that's why I didn't talk about it. That's why I didn't promote it. Because I knew ye hone wala hai. Theek hai? But I was really amazed to see all the fans and all the followers commenting for their favorite person. It showed the love. It showed how much all of these guys have earned over the years. And that's it, man. I'm going to end the live. And this was me being just brutally honest about certain things. And लोग मुझे बहुत बोलेंगे दोगला है. लास्ट पॉइंट, लास्ट ईयर जब IWM के अवार्ड्स आए थे, मुझे नहीं पोस्ट करना था उनके बारे में.
मुझे बहुत लोगों से बोला गया था कि पोस्ट करो पोस्ट करो पोस्ट करो अगेन अगेन बिकॉज आई वॉज अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट विद सर्टन पीपल एंड ऑल्सो आई वॉज नॉट अवेयर अबाउट सर्टन थिंग्स टू बी वेरी ऑनेस्ट. मेरी भी गलती है. मुझे ये सच नहीं पता था अबाउट अवार्ड शोज एन अवार्ड दैट ऑर्गेनाइज. मुझे सच नहीं पता था. मैंने गलती करी इतना पोस्ट करके इतना सोच के कि बहुत बड़ी चीज़ है. बहुत बड़ी चीज़ नहीं है. इट्स नॉट अ बिग डील. आई एम हियर सेइंग ओपनली दैट आई डिडंट डिजर्व दैट अवार्ड. आई डिडंट डिजर्व दैट अवार्ड एट ऑल. देयर वर अदर पीपल हु डिजर्वड इट अ लॉट मोर देन मी एंड आई वॉज द लास्ट पर्सन इन दैट नॉमिनेशन लिस्ट टू डिजर्व दैट स्टाइलिश ब्लडी आइकॉन अवार्ड बिकॉज आई डिडंट रियली डिजर्व इट. राइट. दिस वॉज लाइफ ऑल अबाउट. लास्ट ईयर मैंने गलती की थी इसको बढ़ावा दे के और उसके बाद से मैंने इसके बारे में बात भी नहीं करी और ना मैं करूँगा क्योंकि फ़ायदा नहीं है. जीतेंगे वही लोग जो जूरी बोलेगा. ठीक है. थैंक यू गाइस फॉर ट्यूनिंग इन एंड आई एम गोना सेव द लाइफ. आगे फैलाओ उसको बिकॉज ट्रोल मत करना. आई एम नॉट सेइंग ट्रोल करो. आई एम जस्ट सेइंग सच जानो. प्लीज नो द ट्रूथ एंड डोंट ट्रोल. आई एम अगेन सेइंग डोंट ट्रोल दैट इवेंट कंपनी. डोंट ट्रोल द विनर्स. डोंट ट्रोल द जूरी. डोंट ट्रोल एनीबडी. ठीक है. डोंट ट्रोल एनीबडी. मैं तो कोटा फैक्ट्री भी नॉमिनेशन में था. कोटा फैक्ट्री भी नॉमिनेशन में था. डोंट ट्रोल एनीबडी. आई एम अगेन बींग वेरी हम्बल अबाउट दिस बिकॉज अगर ट्रोल किया तो मैं वापस लाइव आऊँगा. मैं बोलूँगा यार क्या कर रहे हो क्यों कर रहे हो. फ़ायदा नहीं है सब करने का. तो ना जूरी को ट्रोल करो ना उन एक्टर्स को ट्रोल करो जिनको जूरी ने जिताया बिकॉज आप लोगों ने नहीं जिताया उनको. यू गाइस हैव नॉट मेड देम विन. द जूरी हैज़ मेड देम विन एंड आई एम नॉट बींग जेलस आउट हियर. आई एम बींग ऑनेस्ट आउट हियर. मुझे तो फ़र्क नहीं पड़ता. मैं तो बोल रहा हूँ कि मैं नहीं जीता. आई एम तो सेइंग इट. अगर आप जूरी से देखोगे या फिर आप वोटिंग से देखोगे मैं नहीं जीता. आई डिड नॉट विन एनी कैटेगरी. आई एम सेइंग इट. आई एम सेइंग इट वेरी ओपनली. No. The people who won should have won, is all I'm saying. Thank you so much. And मैं save कर रहा हूँ इसको और आगे फैलाओ उस चीज़ को ताकि लोगों को realize हो. ठीक है.